हेलो दोस्तों, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। और अभी मेरी सुबह की पूजा हो रही है, शाम को मैं और कामों में लग जाती हूँ। कपड़े वपड़े धो लेते हैं, वो सब किया, बच्चों को तैयार करना, ये सब जो काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आज बनाने के लिए जा रही हूँ, मूंग की दाल बनाऊँगी, साथ में चाय भी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, क्योंकि आज रामलीला का पहला दिन है। और यहाँ पर चटनी, टमाटर, अम्मी को मेरी बहुत ज़्यादा चटनी पसंद है, तो इसलिए मैं चटनी बनाऊँगी। और उसके बाद में ये देवकी में छुट्टियाँ देख रही थी कितने दिनों की हैं, तो वही डायरी में मैं पढ़ रही थी कितने दिनों की छुट्टियाँ, क्योंकि 4-5 दिन की थी ना इसमें, दशहरे की छुट्टियाँ इनकी। और उसके बाद में मैंने घुया फ्राई किए, और मैं साथ में सबसे बोलती जा रही हूँ अपना अपना खाना लगाते जाओ सभी लोग, और क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाता है बर्तन वर्तन धुलना, तो मैं जब तक आती हूँ तब तक सफाई कर लूँ किचन विचन की जो भी है अपना। और तो भैया अपना खाना लगा रहे हैं, तो अभी हवन हो रहा है, आवाज़ सुनाई पड़ती है, अभी देखो पर्दा बंद है, तैयारियाँ हो रही हैं और अभी हवन हो रहा है, उसके बाद में आरती होगी, जब आरती होगी तब पर्दा खुलेगी। मतलब आए थे काफ़ी लोग, थोड़े लेट आए थे आज के पहले दिन, अम्मी देव देख रहे हैं। पहले दिन थोड़ी कम भीड़ होती है, दूसरे दिन होती है, तीसरे दिन। और गणेश भगवान की आरती हो रही है, गणेश भगवान की आरती के बाद कुछ लोग आते हैं ना आरती करने के लिए, उनको माला अर्पण किया जाता, दामाद लगते हैं गांव के, भैया ने उनको माला वगैरह पहनाई। सबसे ज़्यादा आज पहला दिन है ना, तो कान्हा जी और राधा जी जो शंकर पार्वती नहीं बने थे बारात वाले दिन, तो वही है। और जी रियल मम्मी है, हस्बैंड वाइफ है, मेन चीज़ तो यही होती है कि राधा कान्हा जी का डांस अच्छा लगता है। और यहाँ पे नारद जी लक्ष्मी जी का हाथ देख रहे हैं उनके पिता के साथ, तो वो बता रहे हैं कि उनको बहुत सुंदर वर मिलेगा। और फिर राधा कृष्ण का डांस बीच बीच में, क्योंकि आज नारद मो होगा। और यहाँ पे नारद जी है ना, इनका मुंह सीसा दिखाया जा रहा है कि इनका वो अपना मुंह देखते हैं, तब तक लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को माला पहना के चली जाती हैं। तो नारद जी बहुत क्रोधित होते हैं कि विष्णु भगवान ने मतलब मुझे बंदर जैसा बना दिया था, बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं। तो भगवान वो लक्ष्मी मैया के पिता बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मानते हैं। और ये स्टेज है रामलीला की, और अब नारद जी बहुत ज़्यादा क्रोध में है, और तो विष्णु भगवान को श्राप देंगे। यहाँ पे विष्णु भगवान को श्राप दे रहे हैं नारद जी कि तुमने मुझे बंदर जैसा बनाया, अगले जन्म तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में बन बन भटकोगे, उसके बाद में भटकोगे और बानरों से सहायता मांगोगे, बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तो यही नारद जी। और बीच में राधा कृष्ण का डांस, आज पहला दिन है तो ज़्यादा होता है। और यहाँ पे गुरु जी वन में नहीं तपस्या करते हैं, तो उनका सब राक्षस आके भंग कर देते हैं। और यहाँ पे राधा कृष्ण बहुत
बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और अब राम भगवान गुरु जी से आज्ञा मांग रहे हैं कि हम अपनी माता से भी आज्ञा ले लें। और यहाँ पे भगवान राम ने माता से आज्ञा लेते हुए और अब गुरु जी के साथ जा रहे हैं वन में। तुम्हारी दीवार बहुत अच्छी है, तुम जो लाए नए नए लंबे लंबे लड़का पर और यहाँ पे ये हैं धड़कन। पिछली बार राधिका जी करके आई थी डांसर और इस बार धड़कन ये ज़्यादातर आती है। और धड़कन मतलब डांसर का नाम है धड़कन और राधिका जी, यही दोनों लोग आती हैं ज़्यादा, मतलब काफ़ी आई हैं, मैं तो नाम भी भूल गई, बस इन दोनों लोगों का नाम जानती हूँ। सो उन्होंने बताया था कि मैं पिछले साल नहीं आई थी, इस बार आई हूँ। अच्छा डांस करती हैं भाई, बहुत पुराने पुराने गाने मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। पिछली बार राधिका जो आई थी वो थोड़ा, और यहाँ पे ये ताड़का को नहीं जगाते हैं तो ये सब सारे कलाकार बाहर से आते हैं, तो वही हो रहा है, ताड़का को जगाया जा रहा है, वो जग नहीं रही है। और यहाँ पे आज अब उनकी आरती वगैरह होगी, जिज्जो बोलते हैं ताड़का। तो अभी जिज्जो ताड़का को जगाया जा रहा है, फिर मतलब डांस वांस करते हैं काफ़ी बच्चे। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। मिलते हैं राधे राधे।